जब से आई थी तब से कुछ अनमनी सी लग रही थी। मुझे लगा शायद वर्षा को लेकर परेशान है। अब देखिए ना, अचानक ही चली गई। आराम से एक रात रुक कर जाती। मुझे तो लगता है जरूर कुछ हुआ है। क्यों? ऐसी क्या बात हो सकती है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है वर्षा को कुछ बताया हो। मैंने वर्षा से भी पूछा, वो भी कुछ नहीं कह रही है। शौर्य की माँ, अक्षरा ने आपसे साफ साफ बताया है कि त्योहार है, घर में हजारों काम होते हैं, गुलाबो है नहीं। ऐसे में समधन जी और भाभी माँ थक जाते होंगे। आप इतना क्यों सोचती हैं? अक्षरा अगर नहीं जाती तो आप चिंता करती, अब अगर वो चली गई हैं, तो आपके मन को खटक रहा है। देखिए, अगर कोई बात होती, आपस में कोई तनाव होता, तो आपकी चिंता समझ में भी आती। जी, कुछ नहीं, वो बस मैं सोच रही थी कि एक बार अक्षरा को फोन करके पूछूं। नहीं नहीं, आप फोन बिल्कुल नहीं करेंगे। अभी अभी अक्षरा वहां गई है, और अभी आपका फोन चला जाएगा तो वो लोग क्या सोचेंगे? अगर कोई बात होती तो अक्षरा आपसे जरूर बताती, और वैसे भी आप वहां फोन करके क्या हासिल कर लेंगे? शौर्य की माँ, हमें अक्षरा के घरेलू मामलों में ज्यादा दखल नहीं देना चाहिए। याद है ना आपको पिछली बार आपके और अक्षरा के बीच बात कितनी बिगड़ गई थी? अब अगर आप आदतन चिंता करना ही चाहती हैं, तो अपनी दूसरी बेटी की कीजिए, अक्षरा की फिक्र में उसे भूल मत जाइए। उसे मैं कैसे भूल सकती हूँ? पापा, मैंने यहाँ से कहा था कि वर्षा के लिए दूध गर्म कर दे, मैं अभी देकर आती हूँ। सुन अक्षरा, तू टेंशन मत ले। मुझे नहीं लगता कि आंटी जी स्नेहा की बात पर तुझसे नाराज होंगी, लेकिन वर्षा, मैं जब से आई हूँ ना, माँ ने मुझसे कुछ ज्यादा बात नहीं की है, चुप चुप सी है। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो तुझसे नाराज है। तो बेकार में ही सोच सोच के डर रही है। उन्होंने इसके बारे में तुझसे कुछ कहा तो नहीं है ना? लेकिन उन्हें स्नेहा के बारे में पता तो चल ही गया है ना, गुस्से में तो होंगी ना वो। लेकिन अक्षरा, तू भी तो नॉर्मल नहीं है ना, तू भी तो नतीजे से नाराज है ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने आज देखा था अक्षरा, तुम दोनों ही एक दूसरे से कटे कटे से थे। इस तरह से नाराज रहोगे तो सब ठीक कैसे होगा? मैं जानती हूँ वर्षा, लेकिन मेरे लिए सब कुछ इतनी आसानी से भूल जाना मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि मैं कोशिश नहीं कर रही हूँ, लेकिन नहीं होता मुझसे। मुझे लगता है मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। इस वक्त तो मुझे बहुत डर लग रहा है। अभी तक तो ये बात सिर्फ नैतिक और मेरे बीच में थी, लेकिन अब माँ को भी पता चल गया है। क्या होगा, पता नहीं माँ क्या क्या सोच रही होंगी। वर्षा, मुझे लगता है मुझे माँ से बात कर लेनी चाहिए। कम से कम अपनी तरफ से कुछ गलतफहमियां दूर करने की कोशिश तो कर सकती हूँ ना। हाँ अक्षरा, ये ठीक रहेगा। तू आंटी जी से बात कर लेना, तुझे भी तसल्ली होगी। और सुन, तूने घर में किसी को कुछ बताया तो नहीं ना? नहीं। वर्षा, गायत्री बहन से क्या बात करनी है बेटा? क्या हुआ, क्या कह रही थी अक्षरा? नहीं माँ, हम ऐसी बातें कर रहे थे। अक्षरा सोच रही थी कि दिवाली पर क्या पहने। अचानक सोचते सोचते अपने आप ही बोल पड़ी कि माँ से पूछ लूंगी। हाँ, ये वो सही सोच रही है। वैसे माँ, मैं दिवाली पर क्या पहनूं? बेटा जो तेरी इच्छा हो। आप वहां बताइए ना, वैसे भी मुझे कपड़ों के मामले में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। अक्षरा की तरह। ठीक है, बता दूंगी, लेकिन पहले तू ये दूध पी, जल्दी से खत्म कर दे। अक्षरा,
मैं जानता था आप जरूर आएंगी। सब लोग आपको बहुत याद कर रहे थे। वैसे मैंने माँ से कह दिया था कि मैं आपको शौर्य दादू और वर्षा भाभी के साथ लेकर गया था। हमारा प्लान अचानक से ही बन गया था। माँ ने तो कोई शिकायत भी नहीं की। आप भिखार में इतना सोच रही थी, उन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा। वैसे मैं भी काफी हैरान था कि माँ ने कुछ कहा क्यों नहीं। अक्षर आपको याद है पिछली बार जब हम गोलगप्पे खाने गए थे तो माँ ने कितना गुस्सा किया था। मेरा तो पेट भी खराब हो गया था, लेकिन फिर भी हमने कितना एंजॉय किया था, नहीं? अक्षर अब हम ये सब क्यों नहीं किया करते? हमें अक्सर बाहर जाना चाहिए, नहीं? हम सिर्फ अपनी खुशी के बारे में नहीं सोच सकते, हमारी खुशियां सबसे जुड़ी हैं। कितनी उम्मीदें हैं सबको हमसे। अब हमें वो पहले वाली नादानियां नहीं करनी चाहिए। वैसे आपने बहुत अच्छा किया जो आप घर आई। इसी बहाने भाभी का मन भी बहल गया। आप वहां थी तो माँ ने भी उन्हें बाहर जाने दिया। कितना खुश हो गई थी ना वो। सब अच्छे से हो गया। से नहीं हुआ है। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं। आपने अभी तो कहा कि कुछ ठीक से नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम है? जाने दीजिए, मैं इस वक्त बहुत थक गई हूँ, मेरा बात करने का मन नहीं है। वैसे भी मुझे सुबह जल्दी उठना है, बहुत काम है। आप प्लीज लाइट बंद कर दीजिए। नंदनी, आज सुबह बात अधूरी रह गई। वो गहने पहले तो आपके पास नहीं थे। अरे मोहित, आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे वो गहने किसी ने खरीद के दिए हो मुझे। वो गहने माँ के हैं, वो माँ ने मुझे दिए हैं पॉलिश कराने के लिए। आपको तो पता है ना माँ मार्केट कहाँ जा पाती हैं, और मैं जाती रहती हूँ। माँ ने कहा है कि दिवाली से पहले पॉलिश करा के दे देना। अच्छा, तो आपको जल्द से जल्द वो पॉलिश करा के वापस देने चाहिए। आओ ना। ये दूध? ये जमाइसा के लिए। मोहित, आपको दूध पीना था, आपने मुझसे कहा क्यों नहीं? अरे वैसे अपनी प्यारी सी बीवी को मैं घर के कामों में कम परेशान रखता हूँ, ये और काम बढ़ा दूँ। मोहित, इसमें परेशानी कैसी? आपका हर एक काम करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। और पति के काम करने में क्या परेशानी? हाँ हाँ नंदनी, लेकिन आप घर के कामों में तो वैसे ही पूरा दिन बिजी रहती है। शादी से पहले तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते थे, बल्कि मुझे हर काम के लिए बढ़ावा देते थे। आपकी सोच में बदलाव कहाँ से आ गया मोहित? नहीं नंदनी, मुझ में कोई बदलाव नहीं आया है। मैं अभी भी वही मोहित हूँ। आप प्लीज, आप मुझे गलत मत समझिए। ये देखिए,
एकदम नई डिजाइन। हाँ ये सुंदर है। छोटी दुल्हन कहाँ है, उसे बुला ले। भाभी माँ मैं आ गई। राधे कृष्ण। दिखाइए माँ ये सेट, देखिए आपको अच्छा लगेगा। माँ ये देखिए। बहू रानी, पिछले साल दीपावली में जो आपने हार खरीदा था वो पसंद आया था? वो जो बहू ने छोटी दुल्हन के लिए चुपके से खरीदा था। हाँ छोटी दुल्हन को बहुत पसंद आया था, है ना छोटी दुल्हन? कह रही थी बहू की पसंद अच्छी होती है। हाँ भाभी माँ बहुत अच्छी पसंद है, बहू ने तो हैरान ही कर दिया था। बच्चों की तो आदत हो गई है, कानों कान कुछ खबर भी नहीं होने देते। बहू ये मैं नंदिनी के लिए खरीद लूं? हर बार की तरह भाभी माँ आप ही इनके लिए गहने खरीदेंगी। बहू की मदद से, बताओ ना अच्छा है ना? जी। ये घड़ी आपने मुझे पिछले साल दी थी, दिवाली गिफ्ट। मुझे आपसे बात करनी थी। महाराज जी शक्कर पारे बनाने हैं और साथ में थोड़ी सी मछली भी। ठीक है छोटी दुल्हन। माँ मैंने आपको बताया नहीं ना। छोटी दुल्हन आप तैयार हैं? हाँ। तो अभी बाजार चलें क्या? पर यहाँ के सब काम हो गए हैं। जी हो गए हैं, और बाजार से जो लाना होगा वो तो आप बता ही देंगी। माँ मैं लिस्ट बना दूँ? नहीं तो वहाँ जाकर आप कुछ भूल गए तो? लिस्ट मैंने बना ली है बहू, कल रात को ही सब देख लिया था। चलें भाभी माँ। हाँ चल। माँ मैं भी चलती हूँ। चल अपने लिए नया सूट ले लेना। भाभी माँ माँ वो मैं भी आप मुन्ना बेटा हम लोग बाजार जा रहे हैं, तू तेरे बाबूजी को फोन करके पूछ लेना कोई काम रह तो नहीं गया। और बेटा वही खाते निकाल देना, दादा जी ने कहा था शाम को देखेंगे। ठीक है माँ। चलें भाभी माँ। अक्षरा हमें दिवाली की कुछ शॉपिंग करनी हो तो क्या हम मार्केट घुमाएं? मैं आपके लिए आपकी पसंद का कुछ खरीदना चाह रहा था। मुझे कहीं नहीं जाना है, मेरा कुछ भी खरीदने का मन नहीं रहा। हाँ दादी माँ हम शाल और कंबल ले आए हैं। ठीक है बोला। माँ आपके टिकट्स कंफर्म हो गए। चलो अच्छा है। दादी आप कहाँ जा रही हैं? बेटा तुम्हारे दादाजी के लिए पूजा रखवाई है इसलिए हरिद्वार जा रही हूँ। दादी माँ हमने सारा सामान अच्छे से पैक कर दिया है, और क्या करें? हाँ ऐसे कर, ये सारे मिठाई के डब्बे भी ना अंदर सामान के साथ रख दे। पूरा ध्यान से। जी गोपी चल बाकी सामान हम रख देते हैं। माँ रास्ते के लिए सूखा नाश्ता रख दिया है। ठीक है बड़ी बहू
गोपी चल। ये अक्षरा के ससुराल भेजने के लिए कुछ तोहफे। अरे वाह, चूड़ियों का डिब्बा तो बहुत प्यारा है। हाँ माँ, ये तो वही है ना जो आपने अहमदाबाद से मंगवाए थे अपनी संदन के लिए। गायत्री बहन को ऐसी चीजें बहुत पसंद है। जो भी कहो, गायत्री बहन दिल की बहुत अच्छी है। अक्षरा बता रही थी बिल्कुल उसे बेटी की तरह रखती है। क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, आप ठीक कह रहे हैं। और हाँ, अब तू ये लड्डू मिठाइयां ही बनाती रहेगी दिवाली के लिए, अपनी किताबें कब खरीद के लाएगी? और तू भी भूल गया है, वर्षा की पढ़ाई शुरू करवानी है। माँ आपको याद है? मैं कैसे भूल सकती हूँ बेटा, बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि तुम बहुत अच्छे नंबरों से पास हो। माँ मुझे आपका आशीर्वाद ही चाहिए बस। वो तो हमेशा तेरे साथ है। ये गुजिए के लिए मैदा और ये बेसन लड्डू के लिए। अब ये सारा सामान महाराज जी को देना और उनसे कहना कि ठीक तरह से देख ले। जा। भाभी देखिए ना मेरा सूट अच्छा है ना? कितना सिर खा गई हमारा, कुछ खरीदने नहीं दिया। बहुत अच्छी ड्रेस है, नाइस कलर। आपको पता है हम सबके लिए गिफ्ट्स लाए हैं, लेकिन सबको बाद में देंगे। हाँ बहू, तुझे बताओ मैंने क्या क्या लिया है। नहीं भाभी माँ, दिवाली के दिन ही दीजिएगा। अच्छा बाबा अच्छा, लेकिन नंदिनी का तोहफा तो दिखा दो। हाँ ये साड़ी बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी है, दीदी पर बहुत अच्छी लगेगी। है ना माँ? और माँ आपने क्या लिया? घर का सामान। माँ ने तो कुछ खरीदा ही नहीं, हर साल कितनी खुश होती है, लेकिन इस बार तो माँ को फोर्स करना पड़ा। पता नहीं अपने ही कामों में खोई थी। रश्मि मदद करना बेटा, ये सब संभाल दे। भाभी माँ मैं ये कमरे में रख देती हूँ। हाँ। लेकिन माँ इस वक्त तो आप हर रोज चाय पीती हैं ना, आप थोड़ी सी पी लीजिए। रख दो, हटो अक्षरा। माँ आप रहने दीजिए, आप चाय पी लीजिए। मैं कर रही हूं ना बहू, हो जाएगा। नाराज हैं क्या? जब से मैं आई हूं आप चुप चुप सी हैं। जरूर आपके मन में कोई बात है ना? आप प्लीज मुझे बताइए। देखिए आप मुझसे खुलकर बात कर सकती हैं। क्या हुआ है माँ? अब बात करने से क्या फायदा बहू? क्यों माँ? मुझसे पूछने आई हो? ये रिश्ता क्या कहलाता है?
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।